हेलो दोस्तों, आपका यू विनर पे फिर से स्वागत है। तो जो हम लोग की मैनेजमेंट की सीरीज चल रही थी, अब देखो जैसे कि अराउंड 40-45 डेज बाकी होगा अभी आपका ग्रेड बी के फेज वन के लिए। तो मेरा तो सलाह है कि जो एटलीस्ट जो मार्च का मंथ है आपका, जो रिमेनिंग 15 डेज है, उसको फेज टू आप कोई भी एक से या दो सब्जेक्ट कवर कर लो। लास्ट मंथ में आप ट्राई करना कि मतलब 50% ऑफ योर टाइम फेज वन को डिवोट करो, क्योंकि फेज वन तो क्लियर करना ही है। तो ये मैनेजमेंट की जो सीरीज़ थी उसमें हम लोग जो आज टॉपिक कंप्लीट करेंगे उसका नाम है लीडरशिप। लीडरशिप का एक पार्ट मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। उसको अराउंड 2 to 3 पार्ट्स लगेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं सोचा इसको कवर कर देता हूँ। साथ में जो पिछले टॉपिक चल रहे थे वो कंटिन्यू होंगे। लीडरशिप एटलीस्ट मैं सोचा एटलीस्ट स्टार्ट कर दूँ कि आप लोग को एटलीस्ट मालूम रहे कि क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जिसको मैं कवर कर दूंगा। वैसे मैनेजमेंट 100% कवर हो जाएगा, आप अपने सोर्स के साथ इसको एज ए रिविजन यूज कर सकते हो। सो फर्स्ट थिंग इज बेसिक डिफिनीशन क्या होता है लीडरशिप का। तो लीडरशिप क्या होता है, लीडरशिप का मतलब होता है, उसमें तीन इंपॉर्टेंट वर्ड है, डायरेक्शन, गाइडेंस एंड इन्फ्लुएंस। सो बेसिकली लीडरशिप इज अ वे बाय विच वन पर्सन कैन डायरेक्ट, गाइड, इन्फ्लुएंस सम अदर पर्सन्स बिहेवियर और हेल्प हिम और हर इन एकम्प्लिशिंग अ स्पेसिफिक जॉब और गोल। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज जैसे कि आप एक पर्सन हो, आपने दूसरे पर्सन को डायरेक्ट किया या गाइड किया या आपने उनकी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस किया, किस चीज़ के लिए, किसी पर्टिकुलर गोल के लिए या किसी पर्टिकुलर बिहेवियरल चेंज के लिए। इस एबिलिटी को हम लोग लीडरशिप एबिलिटी बोलते हैं। अब इसके कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो समझने के लिए आप लोग पता कर सकते हो कि मतलब कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है लीडरशिप में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सिचुएशनल होता है। हो सकता है एक आदमी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए अच्छा लीडर हो और दूसरे पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए अच्छा लीडर ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे क्रिकेट टीम में जैसे हम लोग बात करते हैं कि ओवरसीज में कोई अच्छे कैप्टन है, कोई अपने होम कंडीशंस में अच्छे कैप्टन है, तो लीडरशिप एक सिचुएशनल चीज़ है। तो क्या है लीडरशिप, एक सिचुएशनल चीज़ है। ये ऐसा नहीं कि एक आदमी हर जगह लीडर हो, वो सिचुएशन होता है। जैसे कोई पढ़ने में अच्छा हो तो पढ़ाई की चीज़ों में उसकी लीडरशिप स्किल अच्छी हो, कोई खेलने में अच्छा हो, तो ऐसा ही काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है। दूसरी चीज़ है इसमें, ये सिर्फ इंडिविजुअल बेसिस का नहीं है, ये एक किसी की इंडिविजुअल क्वालिटी नहीं है, ये एक ग्रुप पर भी डिपेंड करता है। अगर ग्रुप किसी को लीडर नहीं मान रही हो तो वो लीडर हो ही नहीं सकता है। तो ये ग्रुप प्रोसेस है, सिचुएशनल प्लस ग्रुप प्रोसेस। और ये कुछ क्वालिटीज़ का मिक्सचर होता है, ऐसा नहीं कि लीडरशिप एक कुछ अपने आप में अलग क्वालिटी है। लीडरशिप के लिए आपको स्मार्टनेस होना चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए, सिचुएशनल अवेयरनेस होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों से मिलकर लीडरशिप बनता है, कोई अपने आप में यूनिक क्वालिटी नहीं है। तो ये हम लोग जान गए बेसिक्स ऑफ लीडरशिप के बारे में, मतलब डेफिनेशन क्या हुआ और लीडरशिप की इम्पोर्टेंट वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब जैसे कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन आते हैं एक टॉपिक होता है लीडरशिप स्टाइल्स। लीडरशिप की स्टाइल्स होती है, लीडरशिप की स्टाइल्स क्या होगी। लीडरशिप की स्टाइल्स जो बताया जाता है उसमें तीन बेसिक स्टाइल, ये पहला पर्सन जिन्होंने दिया था उनका नाम था कुर्ट लेविन। ये क्वेश्चन मेरे टाइम, जिस टाइम मैं ग्रेड बी का पेपर दिया था उस टाइम आया था, हु गेव द बेसिक थ्री लीडरशिप स्टाइल्स, तो वो कर्ट लेविन ने दिया था। इनके अनुसार लीडरशिप स्टाइल्स तीन होते हैं, अथॉरिटेरियन, पार्टिसिपेटिव एंड थर्ड वन इज डेलीगेटिव। सो देयर आर थ्री स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप एज गिवन बाय कुर्ट लेविन। अब ये नाम से ही क्लियर है कि ऑथोरिटेरियन लीडरशिप क्या होता है, मतलब कि यहाँ पे कोई मीनिंगफुल डिस्कशन वगैरह कुछ नहीं होगा, वो अथॉरिटी के तहत आपको डायरेक्ट आदेश दे देगा कि हाँ भाई ऐसा करो। पार्टिसिपेटिव क्या हुआ, पार्टिसिपेटिव मीन्स आपसे राय मशवरा लिया जाएगा, यू द पीपल विल बी कंसल्टेड, लेकिन फाइनल डिसीजन कौन देगा, जो लीडर है आपका वो देगा। व्हाट इज डेलीगेटिव, डेलीगेटिव मीन्स क्या होता है, मैंने अपने से जूनियर को बोल लिया भाई तुम्हारे पास डिसीजन मेकिंग आ गई है इस पर्टिकुलर के चीज़ों के लिए, तुम कर दो। फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मेरे पास नहीं है, बट फाइनल डिसीजन गिविंग रोल मेरे पास है,
कि किसको मैं दे रहा हूँ, ये दोनों थोड़े से कंफ्यूजिंग है। पार्टिसिपेटिव और डेलीगेटिव में एक ही डिफरेंस है, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर इन द केस ऑफ पार्टिसिपेटिव रेस्ट विद द लीडर, वाइल इन द केस ऑफ डेलीगेटिव ही डेलीगेट्स द डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी टू द लोअर रंग पीपल। ये आप लोग डिफरेंस पता कर लो। और फिर आगे बढ़ेंगे तो और भी कुछ कुछ लीडरशिप स्टाइल, जैसे ये तो कर्ट लेविन ने दिया था, कूर्ट कोई प्रोनाउंस करता है, कर्ट भी प्रोनाउंस, जैसा मतलब नाम है इसमें तो कुछ खास है नहीं, तो जैसा आप लोग कर रहे हो, बट ये इंपॉर्टेंट है कि थ्री बेसिक लीडरशिप स्टाइल्स वर गिवन बाय हिम। कुछ भी कुछ कुछ और भी दिए हुए लोगों, जैसे कि ऑथोरिटेरियन को ऑटोक्रेटिक भी बोलते हैं, पार्टिसिपेटिव को डेमोक्रेटिक भी बोलते हैं, ऑथोरिटेरियन हो गया ऑटोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव हो गया डेमोक्रेटिक, इसको बोलते हैं लेसेज फेयर, मतलब कि अपने से नीचे वाले को डेलीगेट कर देना। और जैसे कि इसके बाद ये तो दिया था कर्ट लेविन ने, दूसरे एक साइंटिस्ट आए थे बर्न्स, उन्होंने जो दिया था, उन्होंने दिया था ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल, मतलब इनके हिसाब से दो टाइप के लीडर होते हैं, वन दे आर ट्रांजैक्शनल इन नेचर, अदर वन आर ट्रांसफॉर्मेशनल इन नेचर। अब हम लोग को पता करना पड़ेगा यार इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ट्रांजैक्शनल, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम। तो देखो ये तो दिया था बर्न्स ने, और एक और साइंटिस्ट है बर्नार्ड एम बास करके, जिन्होंने एक्सटेंड किया था इसको, मतलब जैसे कि बेसिक इन्होंने एक आइडिया दे दिया था बट आगे एक्सटेंड इन्होंने किया था, आइडिया इनका है बट इसको इलेबोरेट इन्होंने किया था। ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल का डिफरेंस क्या है, जैसे कि अब हम लोग बताएं तो ये है कि ट्रांजैक्शनल जो चीज़ हुई, जैसे कि मैं एक लीडर हूँ, मेरे पास ये तीन जूनियर है, सबको एक पर्टिकुलर टास्क वन, टास्क टू, टास्क थ्री, मैं एक पर्टिकुलर टास्क इन तीनों को असाइन कर दूंगा, मेरे एक रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए होंगे, मैं इनको फुल्ली रिस्पॉन्सिबल बना दूंगा कि आपको टास्क वन कंप्लीट करना है, इन्हें टास्क टू कंप्लीट करना है और इनको टास्क थ्री कंप्लीट करना है, कोई गलती हो जाए तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर डाल दूंगा। तो इसको एक और चीज़ बोलते हैं टेलिंग स्टाइल, मतलब मैं इनको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये करो वो करो, इनको मतलब सारे टास्क दे दिया और बताते जा रहा हूँ कि ये काम करना है, गलती हुई तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये अब देखो जैसे कि लोग बोलेंगे ये तो अच्छा नहीं है, मतलब जैसे कि हम भी सोचते हैं ये अच्छा नहीं है, बट क्या होता है कि कई जगह रूल्स एंड रेगुलेशन काफ़ी मैटर करते हैं, जैसे कि किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओगे तो वहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन मैटर करते हैं, आपको एक टास्क असाइन होगा, गलती होने पर आप पर जिम्मेदारी आती है, कोई रूटीन टाइप का जॉब हो रहा हो, डेली डेस्क वर्क हो रहा हो, तो उन सब जगह पे ये सब चीज़ें हेल्पफुल होती हैं। तो अभी तक हम लोग इतना पढ़ लिए हैं कि लीडरशिप का डेफिनेशन क्या है, बेसिक स्टाइल क्या है, कर्ट लेविन ने जो तीन टाइप का लीडरशिप स्टाइल के बारे में बताया, उसके बाद बर्न्स ने जो दो दिया है उसमें हम लोगों ने टेलिंग स्टाइल और ट्रांजैक्शनल के बारे में पढ़ लिया कि ये क्या होता है, टेलिंग स्टाइल और ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। दूसरा इसी में है ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो नाम से कुछ लग रहा है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन टाइप का कुछ होगा, इसमें क्या होता है ना कि सबऑर्डिनेट को इंस्पायर किया जाता है, कि मतलब यहाँ क्या होता है जैसे कि टेस्ला के बारे में आपने सुना होगा कि लोग वहाँ पैसों के लिए सिर्फ नहीं जाते, जॉब मोटिवेशन के लिए भी जाते हैं, ऐसी भी काफ़ी सारी कंपनी है जहाँ पे लोग सिर्फ जैसे IAS की जॉब लोग बोलते हैं कि वहाँ पैसे इंपॉर्टेंट नहीं बोलते हैं, वहाँ बोलते हैं कि जो वर्क जो लोग मास पीपल को बेनिफिट कर रहा है तो वहाँ पे वो लोग बोलते हैं। जैसे कई सारे हमारे देश में पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने जॉब छोड़ दी अपनी, वो समाज सेवा में लग गए, तो वहाँ क्या है कि एक गोल जो होता है वो काफ़ी फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, लीडर जो होता है वो काफ़ी विजनरी होता है, वो खुद लीड करेगा एग्जांपल से, इंकरेज करेगा लर्निंग एंड ग्रोथ को, वो कोचिंग देगा अपने जूनियर्स को कि ऐसे करना है, ये स्किल्स एक्वायर करो। बट अब इस टाइप की जो टास्क है ये अब रूटीन जॉब करना, वहाँ पे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है,
और स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आरबीआई हुआ, वहाँ पे इस टाइप के लीडर की जैसे कि आ जाए तो बहुत अच्छा होते हैं, बट लेकिन इस टाइप के लीडर की रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे कहाँ रिक्वायर्ड होगी, जैसे कि कुछ यूनिक सा कार्य करना हो, जैसे कि जब हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ते हैं, जब इंडिया में मिसाइल टेक्नोलॉजी जब आ रही थी तो उस समय तो इंडिया में उतना डेवलप नहीं था, काफ़ी कॉम्प्लेक्स था वो चीज़। उस समय ऐसे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर के बारे में जैसे हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम की बुक पढ़ेंगे तो उन्होंने काफ़ी सारे अपने भी सीनियर्स का नाम दिया है कि जिन्होंने विक्रम साराभाई हुए हैं, उन लोगों ने काफ़ी लीडरशिप स्किल्स शो की थी, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्किल्स शो की थी। तो ये दो जो है बेसिक डिफरेंस है ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल का, इसके बारे में आप अपनी सोर्सेज से ही पढ़ लो, बट बेसिक तो आपको पता चल गया। ट्रांजैक्शनल क्या हुआ, टेलिंग स्टाइल हो गया कि ये करो वो करो वो करो, ट्रांसफॉर्मेशनल हो गया मैं करके दिखाता हूँ आप लोग फॉलो करो। तो यहाँ देखो अब तक हम लोग 5 टाइप की लीडरशिप स्टाइल पढ़ चुके हैं, 3 जो कर्ट लेविन ने दी और 2 अभी हमारे जो बर्न्स ने दी थी। और भी क्या क्या स्टाइल आते हैं, एक सर्वेंट स्टाइल आता है, सर्वेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप, ये किसने दिया था, रॉबर्ट ग्रीन लीफ। अकॉर्डिंग सर्वेंट स्टाइल मतलब जैसे कि देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री हो खुद को प्रधान सेवक बोलते हैं, तो सर्वेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप का कुछ हद तक मीनिंग वैसा ही होता है कि जो लोगों की जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, जैसे कि हम लोग आम नागरिक है, हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी मतलब प्रायोरिटीज क्या है, स्कूल सस्ते हो जाए, देश में डेवलपमेंट हो, हमें खाना पीना टाइम पे मिले, रोजगार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, तो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं और भी जो देश के प्रधानमंत्री हुए हैं पहले, उन सब का भी एम यही था कि हमारे देश के जो एक एक नागरिक हो उनको सारी सुख सुविधाएँ मिल सके। तो इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और लकली हमारे जो भी प्राइम मिनिस्टर आज तक आए हैं उन सब के अंदर सेवा की भावना थी। तो दिस इज़ कॉल्ड अ सर्वेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप वेयर इट इज इंश्योर दैट पीपल्स हाईएस्ट प्रायोरिटी आर बीइंग सर्व्ड, दे आर सर्विंग द सोसाइटी एंड हेल्प इन कम्युनिटी बिल्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका एक और एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, जैसे जो सर्वेंट स्टाइल में जैसे कि आप गुरुद्वारे जाते हैं हम लोग, तो उनके जो लीडर वगैरह हम लोग देखेंगे वो खुद से सर्व करते हैं फूड, तो वो लोगों के मतलब लोगों की सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, अपने से जो जूनियरों की रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करते हैं। तो ये नाम से ही क्लियर है सर्वेंट स्टाइल, और प्लस एग्जांपल से आप समझ जाओ तो बेसिक आपके क्लियर हो जाएंगे। अगला एग्जांपल क्या है, सिचुएशनल लीडरशिप, एग्जांपल नहीं सिचुएशनल स्टाइल ऑफ लीडरशिप एक और स्टाइल है। ये क्या है भाई, सिचुएशनल स्टाइल ऑफ लीडरशिप मानता ही नहीं कोई भी स्टाइल ऑफ लीडरशिप हर सिचुएशन के लिए सही है। उनका कहना है कि कहीं पे हमें सर्वेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप यूज करना होगा, कहीं हमें अथॉरिटेरियन स्टाइल यूज करना होगा, कहीं डेलीगेटिव स्टाइल यूज करना पड़ेगा। तो ये भी अपने आप में सही कह रहा है, हो सकता है एक ही काम हमको दो अलग अलग लोगों से करवाने के लिए कोई ऐसा हो जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसे समझ जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल ऑफ लीडरशिप फॉलो करेंगे। दूसरा एग्जांपल है, मैं कितना भी एग्जांपल दे रहा हूँ वो समझ नहीं रहा, उसको डायरेक्ट बोलेंगे भाई ये काम है कंप्लीट कर दो। तो ये हो गया सिचुएशनल स्टाइल ऑफ लीडरशिप। एक और है मैक्स वेबर, काफ़ी सोशियोलॉजिस्ट है काफ़ी बड़े, उन्होंने भी एक स्टाइल दिया था, उनका है ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। अब देखो जहाँ ये सब जो जो अगर आप बेसिक और एग्जांपल समझोगे तो आप पेपर में थोड़ी बहुत एक दो लाइन की स्टडी आती है, एक छोटा सा केस दिया रहेगा उसके बेसिस पर आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा तो उसको आप पहचान पाओगे। अब देखो ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप क्या है, इसमें क्या है, रूल्स आर वेल डिफाइंड, अब रूल जैसे कोई भी देश में जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर रूल्स स्पेसिफाइड है कि ये पर्टिकुलर, जैसे सपोज आपको 10,000 रुपये का कोई एक्सपेंडिचर करना है तो उसके लिए रूल स्पेसिफाई है कि उसको कौन सैंक्शन कर सकता है। तो ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप जो मैक्स वेबर ने दिया था उनके अनुसार लीडरशिप लीडर्स को एक रूल फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल किसी केस में रूल बने हुए नहीं है तो उनको अपने मैनेजर से वो पता करना है कि इस केस में क्या सिचुएशन, लेकिन खुद से डिसीजन नहीं लेना है। ये एक बेसिक अंतर हो गया मैक्स वेबर वाले सिचुएशन का कि यू आर रूल बाउंड। अब देखो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप भी जो था जो हम लोग पढ़े थे टेलिंग स्टाइल वो भी ऐसा ही लग रहा है, बट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी मेरी है, लीडर की है। मैक्स वेबर के अनुसार फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसकी है, रूल की है।
जो भी रूल कह रहा होगा उसी हिसाब से डिसीजन होगा। अगला पढ़े हम लोग कैरिस्मेटिक लीडरशिप। अब ये नाम से ही क्लियर है, ऐसे लीडर के में मतलब इनका खुद का करिश्मा इतना बड़ा होता है, इनकी खुद की फ़ैन फॉलोइंग इतनी बड़ी होती है कि लोग जो है कई बार इनकी क्वालिटी नहीं देखते हुए भी इनकी पर्सनैलिटी हुई या बोलने का तरीका हुआ उसकी वजह से इनके फ़ैन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब सचिन तेंदुलकर जो है उनको क्रिकेट खेलते तो लाइव किसी ने नहीं देखा, टीवी पे भले ही हम लोगों ने देखा बट स्टिल इनके इतने फ़ैन हैं। अमिताभ बच्चन हुए और जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एग्जाम्पल ले लिया जाए, मतलब बच्चे बच्चे उनको फॉलो कर रहे हैं। और भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी मतलब करिश्मा ही इतना स्ट्रांग है, उनकी पर्सनैलिटी ही इतनी स्ट्रांग है, क्योंकि बाकी क्वालिटीज़ भले ही अच्छी हो या जो भी हो लोग उनसे ज़्यादा उनके मतलब करिश्मा के फ़ैन हैं। जो भी सबऑर्डिनेट होते होंगे जो वो जैसे कि हमारी क्या जैसे कि हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सचिन तेंदुलकर को ही ले लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं छोटा था या जब आप छोटे रहे होंगे आप जिसके भी फ़ैन हो सचिन के हो ना हो तो उस समय आप चाहते हो कि आप सचिन की तरह क्रिकेट खेले, या कोई हो सकता है कि किसी बास्केटबॉल प्लेयर का फ़ैन रहा हो, कोई क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फ़ैन हो, कोई लायनल मेस्सी के फ़ैन हो तो वो चाहते हो कि मैं उस तरह खेलना सीख जाऊँ। तो ये थोड़ा थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की तरह वर्क करता है, बट कैरिस्मेटिक लीडरशिप उससे अलग है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर को खुद एग्जांपल सेट करना है, ये सब करना है। कैरिस्मेटिक लीडरशिप में वो अपने आप एक लीडर बन जाता है, लोग उसको फॉलो करते हैं। इस पार्ट में हम लोग इतना कर रहे हैं, लीडरशिप के टाइप्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, लीडरशिप का बेसिक डेफिनेशन पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लीडरशिप की थ्योरीज पढ़ेंगे कि लीडरशिप की थ्योरीज क्या क्या है। इसका थोड़ा मैं बेसिक बता दूं तो इसमें ट्रेट अप्रोच थ्योरी, फंक्शनल अप्रोच थ्योरी, एक्शन सेंटर थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरीज, मतलब चार पांच टाइप के थ्योरीज है इसके अंदर जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो मतलब मांगे जो जितना बड़ा ये चैप्टर था वैसा ही पार्ट टू भी आएगा, वैसा ही पार्ट थ्री एंड फोर, टू एंड थ्री में लीडरशिप थ्योरीज आपकी कवर हो जाएगी। यहाँ लीडरशिप स्टाइल कवर हुआ है, बाकी दो पार्ट में थ्योरीज कवर हो जाएगी। मोस्टली लीडरशिप चैप्टर में इससे बाहर कुछ आता नहीं है, स्टिल आप लोग एक या दो बार ये वीडियो देख के अपने सोर्सेज से भी पढ़ लेना, टू टाइम स्पीड करके देख लेना थोड़ा स्लो लग रहा हो तो, बट ट्राई करना एक बार देख लो जिससे आपका रिवीजन हो जाए। चलो थैंक यू, बाकी चैनल से जुड़े रहो, और भी अच्छी वीडियोज आते रहेंगी जैसे जैसे पेपर करीब आएगा, क्विज वगैरह भी बढ़ जाएंगी। जो भी हमारे चैनल पर रेगुलर लोग हैं उनके लिए स्पेशल चैनल हो सकता है हम लोग बना दें जिससे उनको हेल्प हो सके क्विज वगैरह में, लास्ट में करंट अफेयर्स वगैरह कवर हो जाएगी। अगर टाइम मुझे मिल पाता है तो और भी काफ़ी चीज़ें करने का प्लान तो रहता है बट टाइम नहीं मिल पाता है। आप लोग कनेक्टेड रहो और लाइक सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।